इस कहानी की शुरुआत में हमें वुलवरिन को दिखाया जाता है जिसे नागासाकी के पास जापानी शिविर में कैद करके रखा गया था यह वक्त 9 अगस्त 1945 का होता है जब अमेरिकी सरकार नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाली थी शिविर में मौजूद इचिरो याशिदा नाम का ऑफिसर सभी कैदियों को आजाद कर रहा था ताकि वो अपनी जान बचा भाग सके लोगन यानी वुलवरिन भी नीचे एक कुएं में कैद था इसलिए याशिदा उसे भी आजाद कर देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ तो उसे कहता है कि वह परमाणु बम है उससे बच पाना बहुत मुश्किल है इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी यहीं नीचे आ जाओ तभी आशिदा को अपने साथी ऑफिसर अपने पास बुला लेते हैं इन्हें इस बात का इल्म हो गया था की वो इस परमाणु बम ऐसी नहीं बच पाएंगे इसलिए खुद ही अपने आप को मारने लगते है पर आशिदा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता तभी अमेरिकी जहाज नागा साइकी परमाणु बम गिरा देते हैं जिससे एक तेज धमाका होता है है। और पूरा शहर बर्बाद होने लगता है यह देख कर याशिदा खुद को मारने लगता है पर वुलवरिन उसे रोक लेता है और अपने साथ नीचे कुएं में ले जाता है अंदर तेज हिट आने लगती है वुलवरिन याशिदा को कवर करता है जिससे उसकी जान बच जाती है पर वुलवरिन की पूरी बॉडी जल गई थी इससे याशिदा डर जाता है पर वुलवरिन म्यूटेंट होने की वजह से वापस ऐसी हिल हो जाता है याशिदा वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है पर वुलवरिन उसे बताता है कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा याशिदा वुलवरिन को अपनी पूर्वजों की डेन जेन तलवार देता है पर वरिन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना एक दिन में इसे लेने जरूर आऊंगा और अब वो दोनों उस कुए से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा नागा बर्बाद हो चुका है याशि इससे बहुत दुखी होता है तभी वुल्वरिन को जिनका विजन आता है वुलवरिन उसे प्यार करता था पर उसने अनजाने में अपने क्लोज से ही उसे मार डाला वुलवरिन सपना देख रहा था वो होश में आ जाता है अभी यूकोन में होता है जहाँ वो एक साधु की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था रोज ही उसे डरावने सपने परेशान करते थे वोल्वरिन जंगल से निकल कर यूकोन की एक लोकल मॉल में जाता है जहाँ वो कुछ हंटर को देखता है जो जंगल में शिकार करने जा रहे थे पर वोल्वरिन उन पर ध्यान नहीं देता तभी हम नाम की एक लड़की को देखते है जो वुलवरिन पर नजर रख रही थी यू की एक म्यूटेंट होती है जिसके पास लोगों की मौत देखने की पहाड़ थी रात को वुलवरिन जब जंगल में होता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है वो उस तरफ जाकर देखता है तो उसे शिकारी के टेंट मिलते है जो तबाह हो गए थे पास में एक भालू भी पड़ा हुआ था जिन्हें उन शिकारियों ने जहिला तीर मार दिया था जिससे वो बहुत तड़प रहा था वुलवरिन के पास और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए अपने क्लो निकाल उस भालू को मार देता है इससे वो भालू शांति ऐसी मर पाता है वोलवरिन को उन शिकारियों पर बहुत गुस्सा आता है इसीलिए पहुंचता है जहां वो शिकारी ठहरे हुए थे वो भालू की बॉडी से निकाले तीर को उस शिकारी के हाथ में घोप देता है और उसे कहता है की तुमने इस जहले तीर से उस भालू को अदमना कर दिया जिससे उसने कई लोगों की जान ली इन जहले तीरों का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो शिकारी उस पर हमला कर देता है वोलवरिन को इससे गुस्सा जाता है और उन्हें मारने के लिए अपने क्लो निकाल लेता है पर शिदा उसे आकर रोक लेती है और बताती है की आप इन पर अपना वक्त जाया न करें यह जल्दी अगले हफ्ते एक्सीडेंट में मरने वाले है शिकारी उन पर हमला करने आता है और उसके दूसरे साथी भी हमला करने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं तो यूकियो ने बताती है कि मेरे पास जो शोट है वो सालों पुरानी है इसका नाम डेंजेन है जिसका इस्तेमाल ये किसी भी चीज को दो हिस्सों में काट सकती है और उन्हें डराने के लिए हवा उस शोट के वार से एक बोतल और चेयर को काट देती है बाहर यूक्यो के पास आता है और उसे पूछता है की तुम कौन हो यूक्य ओ ऐसी बताती है की मैं पिछले एक साल ऐसी आपको ढूंढ रही हूँ क्यूँ मेरे बॉस मास्टर याशिदा चाहते है की आप इस डें तलवार को अपने पास रखे क्यूँ आपने परमाणु हमले में उनकी जान बचाई थी इसीलिए वो आपके सारे कर्ज उतारना चाहते हैं वो अभी अपनी आखिरी साह ले रहे हैं इसीलिए वो आपसे अलविदा कहना चाहते हैं आपको मेरे साथ टोक्यो जापान में चलना होगा पहले तो वुलवरिन मना देता है पर जब वो पुलिस की कार को जाते हुए देखता है तो समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करेगी इसीलिए यूक्यू के साथ जाने को मान जाता है यूक्यू से प्लेन से टोक्यो ले आती है जहाँ उलवरिन को बताती है की जब नाकासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सारा मुल्क तबाह हो गया था पर मेरे बोस याशिदा ने इसे फिर से खड़ा किया और उनका फैमिली बिजनेस बहुत आगे पहुंच गया फिर वो उसे याशिदा के घर पर ले आती है जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी यूक्य से ऐसी बताती की हम पर अक्सर हमले होते रहते हैं कोई याशिदा को किडनेप करना चाहता है तो कोई उन्हें मारना चाहता है फिर उलवरिन अंदर आ जाता है जाओ याशिदा के बेटे शिंगेन को देखता है जिसमे तलवारबाजी का काफी अच्छा हुनर था फिर युवकियों से याशिदा के रूम में लेकर जाने लगती है पर वो देखते हैं कि याशि अपनी पोती मारिको से बात कर रहे थे क्योंकि याशिदा जल्दी मरने वाले थे और वो चाहते थे कि उनके सारे बिजनेस और जायदाद की वारिस मारिको बने युवकियों अब उल्वरिन को तैयार करवाती है जिससे वो अब बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था यू से याशिदा के पास ले आती है याशिदा अब काफी बुरा हो गया था और उसे कैंसर की बीमारी थी इसलिए डॉक्टर ग्रीन उसका इलाज कर रही होती है याशिदा वुलवरिन को वहाँ देख खुश होता है वो कहता है की तुम जरा भी नहीं बदले पर यही तो तुम्हारी खासियत है मैं तुम्हें कई सालों से अपनी जान बचाने के लिए ठेस कहना चाहता था वोवरिन कहता है की आप एक अच्छे इंसान हो उस वक्त भी आपने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की यह मैंने उस कुए में रहते हुए देखा यू की ओशिदा को दवाई पिलाने लगती है वुलवरिन वहाँ मोनिटर में देखता है की याशिदा का खास तरीके ऐसी इलाज चल रहा है उसकी बॉडी में दो मैकेनिकल पेरासाइड मौजूद है जो उसके कैंसर को रोक रहे थे याशिदा वुल्वरिन को एक पेंटिंग दिखाकर बताता है इसी जगह में पैदा हुआ था यह पेंटिंग काले कबीले की बहादुरी और उन्हर दिखाती है जिन्हें हम निंजा योद्धा कहते हैं जिन्होंने सात सदियों तक मेरे परिवार की रक्षा की मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए नहीं बुलाया मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उसके लायक एक तोहफा दूंगा अनंत काल तुम्हारे एक बदवा हो सकती है हमेशा के लिए जीते रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं था अपनों को खोने के बाद इंसानों के पास जीने की वजह नहीं बचती कोई मकसद नहीं रह जाता वो रोनिन बन जाता है यानी ऐसा समुराई जिसका कोई मालिक ना हो याशिदा बताता है कि मैं तुम्हारा ये अनंत काल तक जीने का अभिशाप मिटा सकता हूँ तुम्हें आम इंसान बना सकता हूँ वुलवरिन कहता है की गो ने मुझे जैसा बनाया है उससे बदला नहीं जा सकता याशिदा बताता है की मेरी कंपनी और टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गयी है की हम तुम्हारे गाँव बढ़ने की क्षमता को दूसरों को दी जा सकती है वुलवरिन को कुछ समझ नहीं आता वो उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया था याशिदा बताता है कि मैं उस वक्त भी मरने को तैयार नहीं था और आज भी मैं मरना नहीं चाहता पर तुम मरने के लिए तैयार हो वोलवरिन कहता है कि क्या तुम मुझे मौत का तोहफा देना चाहते हो याशिदा कहता है की मैं मौत का नहीं बल्कि एक आम जिंदगी देना चाहता हूँ तुम किसी से प्यार कर सकोगे एक परिवार बना पाओगे वुलवरिन उसे कहता है की तुम पागल हो गए हो और वहाँ से जाने लगता है तो याशिदा उसे रोकर कहता है की मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी पोती मारी को खतरे में है इसलिए तुम्हें उसे बचाना ही होगा वुलवरिन उसे कहता है की तुम्हें मेरी पावर कभी नहीं मिल सकती और वो वहाँ से रूम में आ जाता है वुलवरिन यूक्यो से पूछता है कि क्या तुम मारिको की बहन हो यू बताती है कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ मास्टर याशिदा एक बार मारिको को मेरे शहर लाए थे जहाँ उन्हें मैं उनकी फैक्ट्री के पास एक कचरे के ढेर में मिली इसीलिए वो मुझे अपने साथ साथ घर ले आए क्योंकि मारिको के साथ खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था रात को जब वुलवरिन सो रहा होता है तो मास्टर ग्रीन उसकी बॉडी में रोबोटिक पेरासाइड डाल देती है पर वुलवरिन को लगता है की वो सपना देख रहा है इसीलिए इस बात पर ध्यान नहीं देता उसे रोने की आवाज आती है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है की मारिको को और सभी रो रहे हैं क्योंकि आशिदा की मृत्यु हो चुकी थी अगली सुबह जब याशिदा का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें उसमे भी यूक्यो के साथ जाता है वहाँ छत पर हम हरा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कुशल तिरंदाज होता है और वो याशिदा का वफादार था इसीलिए यहाँ मारिको को प्रोटेक्ट करने आया था वहाँ डॉक्टर ग्रीन भी आई हुई थी यूक्यो वरीन को मेरिको के मंगेतर मोबुरो मोरी के बारे में बताती है जो एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था मालिको जब अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए आगे जाती है तो वुलवरिन समझ जाता है कि वहाँ बेश में गुंडे छिपे हुए हैं इसीलिए मारिको को रोकने लगता है पर तभी गुंडे उस पर गन से शूट कर देते हैं और मारिको को, को लेकर जाने लगते हैं वुलवरिन उन गुंडों पर हमला करके उन्हें मारने लग जाता है पर वो गुंडे वुलवरिन पर भी हमला कर रहे थे वुलवरिन महसूस करता है कि उसके घाव पहले की तरह जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं हर आधा भी मारिको को बचाने के लिए उन गुंडों को मारने लगता है वोलवरिन मालिकों के पास पहुंच जाता है और उन गुंडों को एक एक करके मार डालता है यू क्यों भी गुंडों को मार रही थी वोलवरिन मालिकों को, को लेकर वहाँ से निकल जाता है पर उन दोनों के पीछे अभी भी गुंडे पड़े हुए थे हर आधा एक एक करके उन गुंडों को अपने एरो से खत्म कर देता है अब वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं मालिको वुलवरिन को ठेस कहती है और बताती है कि अब मैं सेफ हूं इसीलिए तुम जा सकते हो वुलवरिन उसे पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे पर वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है पर वुलवरिन को पता था कि वो गुंडे मारिका का पीछा नहीं छोड़ेंगे इसलिए वो भी मेट्रो में मारिको के पास आ जाता है और उसे पूछता है की हम कहाँ जा रहे हैं तो मारिको से बताती है की मैं आखिरी स्टेशन पर जाऊंगी जहाँ भी हमारा एक घर है वुल्वरिन कहता है की पागलपन है वो गुंडे तुम्हें सबसे पहले वही ढूंढेंगे पर मालिको उसकी नहीं सुनती और ईयरफोन लगा लेती है वुलवरिन देखता है कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं वो वॉशरूम जाता है जहां वुलवरिन को अपने गाँव देख कर कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी हिल क्यों नहीं हो रही है वो जब बाहर आता है तो उसे वापस से गुंडे घेर लेते हैं वुलवरिन एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है पर एक गुंडा वुलवरिन को पकड़ लेता है जिससे ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं पर वरिन चालाकी से ऊपर जंप लगा कर उसे मार डालता है और ट्रेन में मालिकों के पास आ जाता है और उसे जल्दी से पास के स्टेशन पर उतार लेता है और बताता है कि हमें कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढनी होगी क्योंकि उन गुंडों ने मुझे पर वापस से हमला किया और वो वही याकूजा के लोग थे जिन्होंने मंदिर पर हमला किया था वुल्वरिन को एक होटल दिखाई देता है इसीलिए वो वही रुकने के लिए आ जाते हैं पर वो एक लव होटल होता है मारिको सो जाती है पर वुलवरिन नहीं सोता और वो पूरी रात जा मारिको का ध्यान रखने लगता है वोलवरिन को जिन दिखाई देती है जो उसे बताती है की तुम मर रहे हो अब ये हीरो वाले काम बंद कर दो तभी वुल्वरिन को नीचे दो गुंडे दिखाई देते हैं जो याकूजा के गुंडे होते हैं जो मारिको को लेने आए थे और वुलवरिन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और शोकघंज से वुलवरिन को तड़पाने लगते हैं तभी मालिको भी जाग जाती है जो चाकू चलाने में काफी माहिर थी और उन गुंडों पर चाकू फेंक कर उन्हें मार डालती है वुलवरिन काफी ज्यादा घायल होने की वजह से बेहोश हो गया था उसकी जब आँख खोलती है तो देखता है कि की होटल मालिक का पोता वुलवरिन की बॉडी से गोलियां निकाल रहा था जो जानवरों का डॉक्टर था जिसे मारिको ने वहाँ बुलाया था वुलवरिन मारिको को ठेस कहता हुआ बताता है की पहले मेरे गांव तुरंत भर जाया करते थे पर जरूर उस डॉक्टर ग्रीन ने मेरे साथ कुछ किया है वही हम डॉक्टर ग्रीन को देखते हैं जो अराधा से मिलती है और उसे अपनी पावर दिखाती है वो एक नागिन थी और उसकी पूरी बॉडी में जहर था इसीलिए अपने नाकू से उसकी बॉडी में जहर फैला देती है और कहती है की मैंने तुम्हें वोवरिन को पकड़ने का काम दिया था ताकि मैं उसकी पावर छीन सकूँ हराधा कहता है की मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं आशिदा के लिए काम करता हूँ तो डॉक्टर ग्रीन कहती है की आशिदा नहीं तुम्हें वुलवरिन को पकड़ने के लिए कहा था इसलिए तुम उसे जल्दी मेरे पास ले आना और उसे वापस से ठीक कर देती है हरादा कहता है कि वुलवरिन बहुत ताकतवर है तो डॉक्टर ग्रीन बताती है कि मैंने उसकी पावर कम कर दी है वो एक आम इंसान की तरह बन गया है इसलिए को जाके हाथ लगने से पहले तुम उन्हें ढूंढ लो वही मारिको वुलवरिन को, को लेकर अपने दादा के पुराने घर में जाती है वो घर नागा के बहुत करीब था वहाँ वो दोनों खाना खाते है मारिको वुलवरिन को हरादा के बारे में बताती है साथ बड़े हुए थे वो तीरंदाजी में माहिर था और मैं चाकू चलाने में हम जल्दी शादी करने वाले थे पर दादाजी ने हमें मना कर दिया कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है वोलवरिन उससे पूछता है की वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं तो मारिको बताती है कि दादाजी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और तीन दिन बाद जब वसीयत को पढ़ा जाएगा तो यह बात सभी को पता चल जाएगी वही हम शिगेन को देखते है जो अपने सभी लोगों को जल्दी से मारिको को ढूंढने बेचता है क्यूँकी वो नहीं चाहता था की मारिको अगली वारिस बने इसीलिए वो मारिको को मारना चाहता था इस काम में उसका साथ मारिको का फ्यास नोबुरो भी दे रहा था जिसने याकू जा के गुंडो को मालिका और वुलवरिन के पीछे लगाए थे वुलवरिन और मारिको अभी भी वही पुराने घर में साथ रह रहे थे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं वोन जब रात को मारिको के साथ सो रहा था तो उसे वापस से बुरे सपने आते हैं जिससे वो अपने क्लो को एक्टिवेट कर लेता है मारिको वुलवरिन को, को शांत करती है और बताती है कि मेरे दादाजी तुम्हें कजूरी कहकर बुलाते थे इस मतलब एक जानवर वोलवरिन से है और बचपन में मुझे जब बुरे सपने आते थे तो मैं अपने दादाजी के पास जाती थी और वो मुझे तुम्हारी कहानी सुनाया करते थे वो उसे जिनके बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ तुम सपने में उसका नाम लेते रहते हो वोलवरिन उसे बताता है की ओर मर गई मैंने उसे मार दिया अब वो वापस से सो जाते हैं रात को हम यूकियों को देखते हैं जिसे भी बुरे सपने आते हैं जिसमें वो वोलवरिन की मौत देखती है अगले दिन वोलवरिन की जब आँख खुलती है तो उसे मालिकों की आवाज आती कि है क्यूँकी उसे गुंडे पकड़ कर ले जा रहे थे वोलवरिन उसे बचाने भागता है पर वो उसके पाँव पर शूट कर देते हैं वो एक गुंडे को पकड़ लेता है पर वो मेरिको को नहीं बचा पाता और वो उसे लेकर चले जाते हैं वोलवरिन उस गुंडे से पूछता है की मारिको को कहा लेकर गए पर वो कुछ नहीं बताता वुलवरिन उसे मार डालता है यू क्यों अभी वहाँ जाती है वुलवरिन को भी नेबरों पर शक हो गया था यू क्यों को नेबरों के घर पर ले जाती है और उसे बताती है कि मैंने सपने में आपको मरते देखा मुझे पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दी पर मैं जिसकी भी मौत देखती हूँ वो सच होती है वोलवरिन कहता है की मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता मुझे बहुत से लोगो ने मारने की कोशिश की पर मैं अभी भी जिंदा हूँ तो यू क्यों कहती है की अब आप पहले की तरह नहीं रहे कोई भी आपको मार सकता है पर वुलविन उसकी नहीं सुनता और मोबिरो से मिलने जाने लगता है तो यू क्यों भी उसके साथ आती है वुलवरिन मोबिरो से पूछता है कि तुम मालिकों को या कुछ आगे गुंडों के हाथों क्यों मरवाना चाहते हो तो मोबूरी बताता है की याशिदा जब से बीमार हुए है उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिए थे ताकि तरीकों से अपनी उम्र बढ़ा सके वो भी तुम्हारी तरह बनना चाहते थे इसलिए शिंगेर ने भी कंपनी के स्टॉक होल्डर्स और बोर्ड से यह सच सचिपाया ताकि उसके डेड उसे अच्छा बेटा मानकर सारी जायदाद उसके नाम कर दे पर याशिदा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पोती मारिको के नाम कर दी इसलिए शिंगे अपनी बेटियों को खुद ही मानना चाहता था मैंने भी उसका साथ दिया क्योंकि की मारिको जायदाद की वारिस बनने के बाद कभी भी मुझसे शादी नहीं करती गुस्से में को नीचे फेंक देता है वहीं आकूजा के गुंडे मारिको को लेने शिनगेन के पास आते हैं पर वह हरादा भी अपने काले कबीले वालों के साथ पहुंच जाता है क्योंकि क्यों एक निंजा योद्धा था जिसका जिक्र याशिदा ने किया था की वो कई सालों से उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं हरादा सभी गुंडों को मार डालता है शिनगेन मारिको को मारने वाला था पर तभी वहाँ निंजा योद्धा आकर उसे घेर लेते हैं और मालिकों को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं मालिकों पर हमला करती है पर हराकर मालिको को अपना फेस दिखाता है और बताता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वहीं शिनगेन के पास डॉक्टर ग्रीन भी आ जाती है जो शिनगेन से कहती है की मुझे तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए और वो एक पेन पर अपना जहर लगा कर उससे शिनगेन के गले में गॉँव कर देती है शिनगेन इससे तड़पने लगता है और बाहर पानी में जाकर गिर जाता है डॉक्टर ग्रीन अब वहाँ ऐसी निकल जाती है वुलवरिन जब यूके के साथ वहाँ आता है तो ये देख हैरान होता है की सारे सिक्योरिटी वालों को किसी ने मार दिया है वुलवरिन शिंगियन को आवाज लगाता है पर वहाँ कोई नहीं होता वुलवरिन उस रूम में जाता है जहाँ याशिदा को रखा हुआ था उसे वहाँ एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा था अगर मारिको को बचाना चाहते हो तो यहाँ जाओ वुलवरिन यूक्यो से पूछता है कि यह जगह कहाँ पर है तो यूक्यो बताती है कि यह याशिदा का जन्म स्थान है जहाँ कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई हुई है जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है वुलवरिन अब वहाँ अपनी बॉडी को स्कैन करता है जिससे उसे पता चल जाता है की उसकी बॉडी में डॉक्टर ग्रीन का एक पेरासाइड है जो उसके हार्ट पर चिपका हुआ था वो उसकी बॉडी को हिलोने से रोक रहा था वुलवरिन कहता है की मुझे इस पेरासाइड को अपने अंदर से निकालना होगा यू क्यों कहती है की आप ऐसा नहीं कर सकते मैंने आपको ऐसे कमरे में हाथ में दिल लिए मरते देखा था वो कहता है की मालिकों को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ पर पहले मुझे अपने अंदर से पैरासाइड को निकालना होगा और अपने क्लोज से ही अपने पेट में छेद कर लेता है और अपने हाथ को अंदर डालकर उस पेरासाइड को निकालने लगता है तभी यहाँ शिंगेन भी आ जाता है जो अभी भी जिंदा था वो वुलवरिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो युव क्यों उसके आगे आ जाती है और कहती है की आप इन्हें नहीं सकते तो शिनगेन उस पर ही हमला करने लगता है युवकियों उसके वार से बचती है और एक तलवार लेकर उससे लड़ने लग जाती है वो किसी तरह अपने अंदर से वो पेरासाइड बाहर निकाल लेता है पर उसका गाँव काफी ज्यादा होने की वजह से उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और वो मरने लगता है युवकियों अभी भी शिनगेन से लड़ रही थी पर शिनगे उसकी तलवार को दूर फेंक देता है युवकियों चालाकी से अपनी तलवार वापस उठा लेती है पर वो देखती है कि लोगन मर चुका है जिससे वो बहुत दुखी होती है शिनगे क्यों को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है पर तभी वुलवरिन के घाव बढ़ने लगते है शिनगेन यूक्यो को मारने वाला होता है की तभी वुलवरिन उसे रोक लेता है और कहता है की मेरे दोस्तों पर हाथ उठाना तुम्हे बहुत भारी पड़ेगा और उसे दूर फेंक कर केहता की को कहाँ है शिनगेन बताता है क्यों नागिन उसे अपने साथ ले गई और ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ उन्हें म्यूटेंट का बड़ा शौक था जैसे यू और तुम जिससे मेरा परिवार बर्बाद हो गया पर अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और और दोनों लड़ने लग जाते हैं शिनगे वुलवरिन के शरीर पर गाँव करने लगता है पर वुलवरिन के गाँव अब पहले की तरह बहुत जल्दी हिल होने लगते हैं देख देखकर शिनगे हैरान होता है और उसे बीच में से काटने की कोशिश करता है पर वुलवरिन की बॉडी हर बार हिल हो रही थी वुलवरिन शिन को नहीं मारता और कहता है की तुमने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की यह बात हमेशा याद रखना और वो यूक्यो के पास जाने लगता है शिनगेन वापस ऐसी वुलवरिन को मारने के लिए उसकी बॉडी में तलवार घोम देता है और कहता है कि तुम किस तरह के जानवर हो तो कहता है कि मैं वोवरिन हूँ और वो अपने कलोसियों से मार डालता है अब यूक्यो भी होश में आ जाती है वुल्वरिन मारिको को बचाने के लिए निकल जाता है यूक्यो से कहती है की डॉक्टर ग्रीन आपको फसाना चाहती है पर वुल्वरिन नहीं सुनता यू की वहाँ पड़ी डे तलवार को उठा लेती है तभी उसे वहाँ एक रोबोट के ब्लू प्रिंट दिखते है जिससे वो समझ जाती है की डॉक्टर ने वोवरिन को मारने का इंतजाम किया हुआ है और वो भी वोवरिन की मदद करने के लिए निकल जाती है वह राधा मालिको को याशिदा के जन्म स्थान वाले टावर पर ले जाता है वहाँ मालिकों को डॉक्टर ग्रीन दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान होती है हरादाओ से कहता है कि घबराओ मत ये भी याशिदा इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है तो मालिको से कहती है कि इसने वरिन को जहर दिया और मुझे लगता है की दादाजी को भी इसी ने मारा होगा डॉक्टर ग्रीन कहती है की मैंने तुम्हारे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और वो अपने नाखून की मदद ऐसी उसे बेहोश कर देती है फिर वो लेब में आकर एक जहर बनाती है जिसे वो हराधा को देती है ताकि वो वुलवरिन को कमजोर करके उसे मार सके पर हराधा उसे बताता है कि लोगन पहले से ही कमजोर है उसकी बॉडी ही नहीं हो रही इसीलिए मुझे तुम्हारे जहर की कोई जरूरत नहीं है पर डॉक्टर ग्रीन उसे कहती है की तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है और उसके जेब में जहर की ट्यूब रख देती है अब वो लोगन को पकड़ने के लिए निकल जाता है लोगन भी अब टावर के करीब पहुँच जाता है तभी हराधा भी वहाँ जाता है जो अपने साथियों के साथ वुलवरिन पर हमला करने लग जाता है पर अब लोगन की पावर वापस आ गई थी इसलिए उन निंजा को एक एक करके मारने लगता है वो चालाकी से को एक जाल में पकड़ लेते हैं भी वहाँ जाती है और वो एक स्नो ट्रक की मदद से वो निंजा को मारने लगती है वुलवरिन भी जाल से आजाद हो गया था और ब्लोअर ट्रक की तरफ निंजा को फेंक कर उन्हें मारने लग जाता है हरादा को अंदाजा हो जाता है की बिना डॉक्टर ग्रीन के जहर के वरिन को नहीं रोक पाएगा इसलिए उस जहर में अपने डुबो लेता है वरिन और यूक्यो ट्रक से आगे बढ़ रहे थे पर निंजा उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं यह देखकर को दूर कर देता है और वो खुद अपने साथ ही उस ट्रक को ब्लास्ट करवा देता है जिससे सारे निंजा खत्म हो जाते हैं और वुलवरिन सिगरेट को भी जला लेता है अब वुलवरिन आगे बढ़ने लगता है पर अपने बाकी बचे साथियों के साथ जहले तीरों से उलवरिन को रोकने लगता है वो उसकी पीठ में बहुत सारे एरो घोंप देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है मारी को भी ये देख रही थी वो इससे बहुत दुखी होती है वही यूकियो भी धमाके की वजह से बेहोश हो गई थी उसे जब होश आता है तो तेजी से टावर की तरफ बढ़ती है वही वुलवरिन को टावर के अंदर एक मशीन में बांधा होता है और वहाँ पास में ही एक सिल्वर समुराई रोबोट पड़ा हुआ था डॉक्टर ग्रीन वुलवरिन को अपना सिल्वर समुराई रोबोट दिखाकर बताती है कि ये भी उसी एडामेंटियम मेटल का बना हुआ है जो तुम्हारे अंदर है वुलवरिन गुस्सा करता हुआ अपने क्लो बाहर निकाल लेता है पर यही डॉक्टर ग्रीन की चाल थी क्यूँकी वुलव्वरिन के क्लोको काट कर उसके पाव छीनना चाहती थी मारिको भी ये सब देख रही थी हराधा मारिको से कहता है की तुम्हें वुलवरिन को छोड़ना होगा तो मारिको कहती है कि उसने मेरी जान बचाई तुम डॉक्टर ग्रीन के साथ मिले हुए हो हराधा कहता है की मैं तुम्हारे दादाजी याशिदा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ मारिको से किस करने लगती है और चालाकी से उस पर चाको से हमला करके बाहर भाग जाती है सिल्वर समुराई रोबोट भी अब एक्टिवेट हो चुका था जो अपनी सोर्स से वुलवरिन के क्लो को काटने लगता है पर मारिको उसके आगे आ जाती है जिससे वो रोबोट क्लो की जगह उस चेयर को ही काट देता है जिससे वोवरिन आजाद हो जाता है और वो मारिको को, को लेकर भागने लगता है डॉक्टर ग्रीन उसके पीछे जाती है पर अराधा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था इसीलिए वो डॉक्टर ग्रीन पर एरो से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है पर वो अभी भी जिंदा होती है और सांप की तरफ वो अपना केच बदलने लगती है वुल्वरिन उस सिल्वर समुराई पर हमला करने लग पर वो समुराई रोबोट अपनी शोट को चेंज करके वुलवरिन के क्लो को काट देता है वोलवरिन को बहुत दर्द होता है सिल्वर समुराई उसके दूसरे क्लो को भी काटने लगता है पर वुलवरिन खुद नीचे गिर जाता है सिल्वर समुराई उसके पीछे आता है पर वुल्वरिन चालाकी से वहाँ लाइट ऑफ करके उस सिल्वर समुराई की एक शोट को ले लेता है पर उससे वो शोट एक्टिवेट नहीं होती और वो वरिन को मारने लगता है तभी वो अराधा आकर वोलवरिन को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था पर वो रोबोट उसे मार डालता है वोलवरी समझ जाता है की वो शॉट दोनों हाथों से एक्टिवेट होती है इसलिए अब वो भी उस शॉट को एक्टिवेट करके उस समुराई की गर्दन काट देता है और उसे पकड़ कर नीचे कूद जाता है यूक्यो अभी टावर पर आ जाती है और डॉक्टर ग्रीन से लड़ने लगती है डॉक्टर ग्रीन उस पर भारी पड़ रही थी पर यू क्यो लिफ्ट की मदद से उसे मार डालती है वोलवरी नीचे गिरने की वजह से बिल्डिंग के बाहर लटक गया था वो ऊपर आने लगता है पर तभी वो रोबोट उसके राइट हैंड के क्लो को भी काट देता है और अपने हैंड से उसके क्लो में ड्रिल करने लग जाता है अब उस सिल्वर रोबोट में छिपा आदमी वुलवरिन को अपनी शक्ल दिखाता है जो और कोई नहीं बल्कि आशिदा होता है जिसने मरने का नाटक किया था और डॉक्टर ग्रीन और हरादा भी उसके लिए ही काम करते थे यानी इस कहानी का, का मेन विलन याशिदा था जिसने वुलवरिन की पार छीनने के लिए सारी साजिश की थी याशिदा वुलवरिन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं परमाणु बॉम्ब से बच गया था और अब पलों में तुम्हारी पावर मेरे अंदर आ जाएगी जिससे मैं अपनी विरासत को सुरक्षित रख पाऊंगी अभी तक मैं इस कवच की वजह से जिंदा हूँ और अब यह कवच ही मुझे तुम्हारी पावर देगा अब वुल्वरिन की पावर याशिदा के अंदर ट्रांसफर होने लगती है जिससे वुलवरिन मरने लग जाता है और याशिदा फिर से ठीक होकर जवान होने लगती है मालिको भी ये देख रही थी वो समझ जाती है की उसके दादा असली मोस्टर है इसीलिए वो वुलवरिन के कलों ऐसी याशिदा पर हमला कर देती है जिससे याशिदा के हाथ से वुलवरिन छूट जाता है याशिदा मारिको को कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ मारिका उसे कहती है कि मेरे दादा को तो मेकअप का दफना चुकी हूँ और वो एक और क्लो से उसके गर्दन पर हमला करती है वुलवरिन अब ठीक हो जाता है और वो उस सिल्वर समुराई सूट को तोड़ने लगता है जिससे याशिदा पहले की तरह ही बूढ़ा होने लगता है और अब वुल्वरिन अपने क्लो को वापस से बाहर निकाल लेता है और उससे याशिदा को मार कर नीचे फेंक देता है जिससे याशिदा पूरी तरह से खत्म हो जाता है वोलवरिन अब कमजोर होने की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे वापस से जिन का विजन आता है जिसमें जिन उस अपने पास बुलाती है पर वुल्वरिन मना कर देता है फिर हम देखते है को को की मारिकोप याशिदा कॉरपोरेशन की सीईओ बन जाती है और वो को अलविदा कहती है क्योंकि वरिन को वापस जाना था अब यूक्यू भी वुलवरिन के साथ जाती है और वो दोनों प्लेन में बैठकर कर वहाँ ऐसी निकल जाते हैं फिर हमें पोस्ट एड सीन में दो साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुलवरिन एक एयरपोर्ट पर होता है तभी टीवी पर ट्रास की इंडस्ट्रीज का एड आता है तभी वहाँ अचानक सभी चीजें हिलने लगती है क्योंकि वरिन के पीछे मैग्नेटो होता है वोवरिन उसे मारने की करता है पर वो हार नहीं पाता वुलवरिन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो मैग्नेटो उसे बताता है कि इंसान ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी जाति का अंत हो जाएगा मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए वोलवरिन कहता है की मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ मैग्नेटो कहता है की तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है वुलवरिन देखता है की वहाँ के सारे लोग फ्रीज हो गए हैं क्योंकि वहाँ प्रोफेसर एक साथ गए थे वोलवरिन उन्हें देख हैरान होता हुआ कहता है कि कैसे मुमकिन हो सकता है प्रोफेसर एक्स उसे कि मैंने तुम्हें बहुत समय पहले भी बताया था कि इन खूबियों के मालिक तुम सिर्फ अकेले नहीं हो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है गाय साहब नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग